ग्राइंड के वजह से। एंड रही बात आज के दुनिया में, अगर आपको एक ई स्पोर्ट्स में आपको करियर बनाना है आपका, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा टफ हो चुका है, कंपटीशन बढ़ता गया और आज ये मेरा करियर बन चुका है। आज जो है ये करियर बोल सकता हूँ मेरे पेरेंट्स के वजह से एंड मेरे खुद के ग्राइंड के वजह से। एंड रही बात आज के दुनिया में, अगर आपको एक ई स्पोर्ट्स में आपको करियर बनाना है आपका, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा टफ हो चुका है कंपटीशन, क्योंकि कितने सारे ई स्पोर्ट्स एथलीट ग्राइंड कर रहे हैं ताकि अपना बेस्ट देके सेम एज करियर बनाए। तो बोल सकते हैं कि आज के दुनिया में ये थोड़ा सा टफ हो चुका है। एंड रही बात अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, तो आपका फर्ज बनता है कि उनको समझाए कि ई स्पोर्ट्स क्या होता है, ये ताकि उनको भी समझ पाए कि ई स्पोर्ट्स ओके ये है। तो सिंपल चीज़ है, जितने भी टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं, स्ट्रीमर्स हैं, उनके स्ट्रीम्स दिखाओ, बताओ उनको, देखो आज जो है वो लोग देखो ऐसा है, करियर बन चुका है उनका, ताकि उनको भी समझ आए ई स्पोर्ट्स ओके है ऐसा। तो आज आज के वर्ल्ड में आप बोल सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को एडुकेट करें ई स्पोर्ट्स क्या है, ताकि उन्हें भी समझे कि ओके इसमें कर सकते कुछ, ताकि अपने बेटे को कुछ फ्री खेलने दो जो भी है। तो यही।